नमस्कार दोस्तों, अवर ब्रेन अवर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीन एज। एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें हम सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, और इस एज ग्रुप के बच्चों से बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि हम मछली को तैरना सिखा रहे हैं, उनको सब आता है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है, कारण क्या है? तो इसका साइकोलॉजिकल कारण तो एक ही है, ये वो उम्र है जिसमें लॉजिकल माइंड भी आपका डेवलप हो रहा है और काफ़ी हद तक हो चुका है, और जो सबकॉन्शियस है वो तो ऑलरेडी डेवलप है। तो जब दोनों माइंड अपनी पावर दिखा रहे हैं आपके शरीर पे, तो आपको नई नई चीज़ करने में आनंद आता है, नई चीज़ सीखने में आनंद आता है। और आप देखोगे इसी एज के बच्चों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ कहाँ इशू आ जाता है, ये अपने समझने की बात है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टीन एज में दो चेंजेस पड़े होते हैं, एक बायोलॉजिकल, दूसरा इमोशनल। इससे पहले उसके इमोशंस जो हैं वो फैमिली के साथ ही जुड़े होते हैं, पर इस टाइम बच्चे अपना इमोशन खुद डिसाइड करते हैं और उसी इमोशन को वो इस्तेमाल भी करते हैं, थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं और उनसे नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। और इस उम्र के बच्चों में एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं बुलिंग और पीयर प्रेशर। अब ये क्या है? ये एक सिंपल वो है, ग्रुपिज्म जिसे हम बोलते हैं। स्कूल में जाएगा तो कुछ लोगों बच्चे ग्रुप बना लेते हैं, उनमें कुछ लोग लीड करना चाहते हैं, और जो लीड करते हैं वो कॉस्ट लेते हैं ग्रुप के अंदर आने की, और ये सारी बातें बच्चे आपसे शेयर ही नहीं करते, क्योंकि हम बच्चों के साथ बच्चा बनने की बजाय उनको बड़ा बन के समझाते हैं। तो मेरा पहला सजेशन, आप बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए, देखिए आपको आनंद आएगा। आप वो सारी चीजें जानोगे जो आपसे कभी वो शेयर ही नहीं कर रहा। तो बुलिंग और पीयर प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? बुलिंग और पीयर प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो बहुत अनादिकाल से चला रहा है। अगर हम महाभारत का एग्जांपल लें तो अश्वत्थामा, जिसको दूध नहीं मिलता था तो बच्चे मजाक उड़ाते थे, वो बुलिंग और पीयर प्रेशर ही तो था, और क्या था। लास्ट में उसकी माँ ने परेशान होकर क्या किया, उसके मुंह पे चावल के दानों का लेप लगा दिया, ताकि कम से कम मेरा बच्चा भी बोल दे बाहर जाके कि मैं दूध पी के आया। गरीब ब्राह्मण था, दूध होता ही नहीं था उसके। तो वैसे ही बच्चे के अंदर ये कभी भी हीन भावना ना आने दें कि ये बुलिंग और पीयर प्रेशर की वजह से मैं कर रहा हूँ। आपके बच्चे, दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, आपके बच्चे क्या ये नहीं बोलते इस उम्र के, मम्मा मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं बन रहा, या मेरी कोई फ्रेंड नहीं बन रही, या मेरी फ्रेंड मेरे को इग्नोर क्यों कर रही है, मेरी फ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रही है, मेरा फ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा? करते हैं, आई एम श्योर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। स्कूल में मेरी जो दोस्त हैं या मेरा ये दोस्त है वो अलग ग्रुप में रहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, कभी कभी हल्का हल्का माँ बाप से, मेरी माँ के ज़्यादा करीब होता है बच्चा तो ज़रूर बात करता है। हम अगर उस बात को इग्नोर कर देंगे तो सारे के सारे प्रेशर बच्चे अपने आप फेस करता है, और उसमें वो गलती कर सकता है, क्योंकि जो पीयर प्रेशर है उसको जब वो फेस करता है तो अपने आप सोल्यूशन निकालता है। अब सोल्यूशन के लिए ना तो एक्सपीरियंस है उसके पास, जब एक्सपीरियंस नहीं है तो नई क्रिएटिविटी करता है, गलतियां कर करके सीखता है। तो कुछ गलतियां इतनी बड़ी भी हो जाती हैं जो आपके परिवार में बड़ी हानि भी पहुंचा सकती है। आप देख रहे हो बहुत सारे स्कूलों में आजकल ये प्रॉब्लम बहुत हावी है, रोज़ न्यूज़पेपर भरे हुए हैं, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है ये क्यों हो रहा है? ये टीनेज का एक ही इशू है, उनके साथ एज ए फ्रेंडली जो आदमी है वो उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं और उससे ही वो सीखना चाहते हैं। तो अगर आप फ्रेंड बनिए या उसके माइंड को इतना डेवलप करिए कि वो आपसे ट्रांसपेरेंट हो जाए, उससे क्या होगा, उससे एटलीस्ट आप उसको गाइड कर पाएंगे, सही डायरेक्शन में गाइड होगा। और दूसरा जो मैं बात कर रहा था बायोलॉजिकल, ये तो इमोशनल रुक हुआ था, बायोलॉजिकल चेंजेस इस उम्र में सबसे ज़्यादा होते हैं।
बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। अगर आप उसके साथ एज ए फ्रेंड बन के वो सारे चेंजेस उसको बताएंगे कि जीवन की ये नीति है, जीवन में ऐसा होना ज़रूरी है, तो शायद वो अडॉप्ट करेगा, आसानी से अडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर वो यार दोस्तों में जाएगा तो आज का तो इंटरनेट इतना बड़ा माध्यम हो गया है कि वो कुछ भी सिखाएगा, कुछ भी, अच्छा या बुरा नहीं। दूसरा, एडिक्शन हो जाएगा उसको। आप देखोगे आपका बच्चा सारा दिन का टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, अगर देखता है तो एडिक्शन का शिकार हो गया है। अगर आप उसका एवरेज निकालो, अगर वो एवरेज 6 घंटे से ज़्यादा है तो एडिक्शन है, और ये एडिक्शन बढ़ता चला जाएगा आगे जाके, ग्रोथ में, फैमिली लाइफ में, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम देगा। मुझे लगता है वो भविष्य हैं, आपकी धरोहर हैं, आप उन्हीं के थ्रू अपने सपन पूरे करने वाले हो। तो दोस्तों, मेरा सजेशन है आप अपने बच्चों को एक अच्छा दोस्त बन के समझाएं, ताकि आपका और उनका प्लेटफॉर्म एक हो, और वो जो सीखना चाहते हैं उसमें आप उनकी मदद करें, वो पीयर प्रेशर, इमोशन से बाहर आएंगे, और आप देखेंगे कि उनका जो युवा भविष्य है वो ग्रोथ पाथ पे चलेगा। इसके बारे में आपके जो भी सवाल हों, आप कृपया कमेंट बॉक्स में डालें, हमसे पूछें, हम उसके जवाब देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।